जी बिल्कुल, काले की मंडी पुलिस ने शहर की मंडी काले की से अगवा होने वाली दो खवातीन को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। अगवाकार आतिफ कलीमुल्ला और इसहाक ने काले की मंडी से दो खवातीन शहनाज और शबाना बीबी को गन पॉइंट पर अगवा किया और नामालूम मकाम पर ले गए। वाकया की इतला मिलते ही DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने SHO काले की मंडी की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद तरीकाकार से चंद घंटों में ट्रेस करके दोनों को बाजियाब करवा लिया और एक अगवाकार को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर साथियों के लिए पुलिस कार्रवाई करने में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ अहमद जकी, CPC न्यूज़, पिंडी बटियां। ये कॉल वसूल हुई कि दो खवातीन को जो है ना वो मुल्ज़मान ने गन पॉइंट पे घर से अगवा करके नाम जगह पर ले गए। जनाब DPO साहब की हिदायत और उनके अहकाम की रोशनी में मैंने फौरन अपनी तमाम नफरे को साथ लिया। दोनों गाड़ियों को चौकी नानों वाली और हमारी दोनों गाड़ियाँ जो वो रेडी हो गई। मुदई से रब्ता किया, मुल्ज़मान की जो है ना BTS डाटा लिया, मोबाइल डाटा लिया और मुल्ज़मान के जो मस्कन है छनी जाम के उधर जाके रेड किया, मुल्ज़मान को तलाश किया। लेकिन मुल्ज़मान वारदात के बाद कैरी डब्बे में वैगन थी उसमें डाल के वो अपने डेरे पे ले गए। रेड वगैरह उनके घरों के तारे लगे हुए थे, उन्होंने उधर किया, पूरे गांव का मुआसरा किया, चेकिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सरसब्जी ना हुई। उसके बाद एक डेरा था उधर जाके हमने रेड किया तो ये मुल्ज़मान जो थे वो इनमें से एक आतम बिलाल जो है ना वो अपनी बेगनार बैग कार में बिठाया हुआ था दोनों खवातीन को। जब उसने देखा कि पुलिस सर पर चढ़ी है, उसने गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की, जिसको बड़े अच्छे तरीके से बड़े हैंडल करके हमने तमाम नफरी के साथ मैंने रेड करके उसको पकड़ लिया और मौका पर इसे गिरफ्तार करके दो जो मवियान थी खवातीन शबाना कौसर और शनाद बीबी इनको मैंने वो रिकवर किया। इनके 164 के बयान अभी कोर्ट्स में हो रहे हैं, इसके अलावा इनके जो मेडिकल हैं वो भी हमने ले लिए हैं। तो एक मुल्ज़िम गिरफ्तार है, बाकी की तलाश जारी है। मुल्ज़िम से असला जो है वो भी रिकवर।